हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखे होंगे। दोस्तों, आज है अपरा एकादशी। आप सभी दोस्तों को अपरा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए, दो मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के विधान, विधि विधान और फलाहार सभी एकादशियों के समान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है तथा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला तथा पर स्त्री पर बुरी दृष्टि रखने वाला पुरुष, जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये सभी प्राणी पाप रहित हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापी युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के प्रभाव से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा तथा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के प्रभाव से मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ब्रजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मैंने आप सभी दोस्तों को अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।